उससे पहले मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 3 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ, बहुत टाइम लग रहा था पढ़ने में। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज एक सीरियस टॉपिक है जो जिसने मुझे काफ़ी इफेक्ट किया है। अभी आपको पता ही होगा कि फिटनेस इंडस्ट्रीज़ में एक मोस्ट जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला सब्सटेंस है, सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, वो सब लोग खरीदते हैं, बिगनर भी खरीदता है, बहुत प्रो लोग भी खरीदते हैं, वो है हुए प्रोटीन। अब हुए प्रोटीन का बहुत सारे ब्रांड्स अभी इंडिया में आ गए हैं। पहले क्या होता था, बाहर से हुए ज़्यादा बिकता था, ऑन डायमाटाइज ये सबका ज़्यादा बिकता था। बट फिर इंडिया में आई थिंक पहला इंट्रोड्यूस हुआ मसल ब्लेज। मसल ब्लेज आई थिंक पहला इंडियन ब्रांड था जिसने हुए प्रोटीन को पॉपुलर किया इंडिया में, मुझे लगता है। और भी होंगे बट मसल ब्लेज वॉज द फर्स्ट ब्रांड दैट आई जस्ट रिकॉग्नाइज्ड। मार्केटिंग अच्छा था, सब अच्छा था। बट रिसेंटली देख रहा हूँ 3-4 साल से इंडियन, जब जैसे मेक इन इंडिया पॉपुलर हुआ, एवरीथिंग इज पॉपुलर, सो बाहर के बहुत ब्रांड भी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बहुत रेपुटेड ब्रांड। और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे हुए प्रोटीन हैं जो इंडिया में ही बने हैं और इंडियन ब्रांड ही हैं वो बेसिकली। तो बहुत सारे ब्रांड्स अभी अभी नए नए आ रहे हैं, जैसे कि मसल ब्लेज हो गया, बिग मसल एक बड़ा ब्रांड है अभी, फिर डॉक्टर चॉइस हो गया और एज इट इज़ हो गया। तो अभी क्या हो रहा है ना, मतलब पहले पहले क्या होता था, लोग इंडियन ब्रांड्स को प्रीफर नहीं करते थे, पहले बोलते थे खराब प्रोटीन है। मसल बेस का तो पहले मैंने बहुत देखा था कि खराब प्रोटीन ही है, बट लेटर ऑन दैट पीपल एक्सेप्टेड ऑल दोज थिंग्स। उनको भी लगा कि ये ब्रांड अच्छा है, प्रोटीन्स अच्छे हैं, इतना कुछ खराब नहीं है, प्राइस भी ठीक ठाक ही है। मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि बहुत सस्ता है इंडियन ब्रांड के हिसाब से। रिसेंटली बहुत कंट्रोवर्सी हुआ बिग मसल्स को लेके, बिग मसल्स और आई थिंक एक दो ब्रांड था, कि ये लोग जितना लिख रहे हैं उतना दे नहीं रहे। मुझे खुद ही जिम में कितने लोगों ने बोला कि यार 12-14 ग्राम प्रोटीन मिला, मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। सुनी सुनाई बातें बहुत होती हैं और अपने देखने वाली बातें बहुत होती हैं। मैंने कहीं लैब रिपोर्ट में मैंने खुद से चेक नहीं करवाया आज तक, क्योंकि यार अभी लैब ढूंढो कहाँ करो, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। पर्सनली मैं उड़ीसा, मतलब एक स्टेट की इंजीनियरिंग सर्विस है, वहाँ पर क्वालिफाई किया। उससे पहले मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 3 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ, बहुत टाइम लग रहा था पढ़ने में, 10-12 घंटा पढ़ता ही था मैं। उसके बाद अभी मैं स्टेट के इंजीनियरिंग सर्विस कर रहा हूँ, ऑफिस जाना, फिर जिम जाना, उसके बाद खाना बनाना, सारे चीज़ खाना बनाना मैं खुद ही बनाता हूँ। तो उसके बाद ये टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं जाके कहीं लैब में किसी को चेक करवाऊँ। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ा चेंज हुआ, अभी मसल ब्लेज ने उनका एक प्रोडक्ट निकाला है और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो आप घर बैठे ही आप चेक कर सकते हो ये हुए प्रोटीन का ऑथेंटिसिटी के ऊपर। उस प्रोडक्ट को आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और ये प्रोडक्ट इजीली एक्सेसिबल है, उनके साइट्स पे मिल रहा है, आई थिंक फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी मिल रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने उनके साइट से मंगाया, बहुत सस्ता है ये एक्चुअली ये है उनका MB Pro Check। ये बहुत सस्ता आ रहा है, लाइक इट्स लाइक 199 rupees आई थिंक, दे आर गिविंग सम डिस्काउंट्स एंड इट्स लाइक 399 प्रिंटेड है, बट नो आई गॉट इट फॉर 199 rupees। इसमें दो आप हुए प्रोटीन्स को चेक कर सकते हो। तो अनबॉक्सिंग के लिए ये है मेरे पास चाकू, फेंक देता हूँ, अभी एक सील है यहाँ पे, निकाल लेता हूँ। हाँ, अंदर आपको ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें 2 लिक्विड टाइप के कुछ हैं, 2 है ऐसा लिक्विड टाइप का, और 2 आपके वाइल्स हैं, आई थिंक ये मेजरिंग वाइल्स टाइप के हैं, इस टाइप के ऐसे 2 हैं। तो मैं क्या कर रहा था अभी रिसेंटली, यूट्यूब चेक कर रहा था, जैसे कि ये बिग मसल्स का कंट्रोवर्सी चल रहा है कि यार ये लोग कम दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो मैंने ऐसे चैनल्स मैंने सर्च किए, तो मुझे एक चैनल दिखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपने आईपैड पे ऑन करके रखा है, सत्विक पांडे, सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहा हूँ इनका, सत्विक पांडे। या मैंने आई थिंक एक दो बार इनका एक दो वीडियोस देखा था, आई थिंक ये फिटनेस चैनल है नहीं, बट फिटनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं फिटनेस। तो उनका एक देखा मैंने, हाउ बिग मसल्स इज चीटिंग यू फिट MB प्रोचेक, वही वाला जो प्रोचेक है, उससे पहले भी मैंने सुना था, बट फिजिकली आई थिंक किसी ने चेक किया है MB प्रोचेक करके, प्रोचेक यूज़ करके प्रोटीन का ऑथेंटिसिटी के बारे में। तो मैंने सोचा ठीक है, इसी चैनल से ही मुझे आइडिया आया, मैं इनका दे दूंगा आपका, मैंने मेंशन कर दूंगा चैनल को। अभी मिल गया है अभी MB प्रोचेक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस MB प्रोचेक से हम लोग ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोटीन निकालते हैं। होप यू लाइक दिस अनबॉक्सिंग ऑफ MB प्रोचेक। डेफिनेटली इसके आगे मैं इसको यूज़ करके बहुत सारे प्रोटीन्स टेस्ट करने वाला हूँ और भी बहुत सारे MB प्रोचेक मंगाने वाला हूँ, अगर ये पहला वाला सही काम करे तो।
और ये कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसके बाद वाले वीडियोस में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन ब्रांड्स के प्रोटीन चेक करके उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो डेफिनेटली ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब यूट्यूबर ये चीज़ बोलते हैं, मैं भी वही चीज़ बोल रहा हूँ, मांगना पड़ता है भाई, लोग मुफ्त में कुछ नहीं देते। लाइक मांगो तभी मिलता है, शेयर मांगो तब मिलता कि नहीं मिलता नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि ये वर्थ है आपका टाइम का जिस जो कुछ मिनट्स आपने स्पेंड किया, तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या थैंक यू।